बरसात के मौसम में होने वाले डायरिया को मानसून डायरिया कहा जाता है। अचानक मौसम में बदलाव होने से बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होते हैं, दूषित जल से हो जाता है। कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपके लिए बहुत बड़े खतरा बन सकती है। डायरिया होने पर दूध और पनीर का सेवन नहीं करना चाहिए। कच्ची सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग बरसात में जंक फूड बहुत खाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए, मानसून डायरिया पूरे वर्ल्ड में ही कॉमन है। इसकी एक वजह तो यह है क्योंकि मानसून में जो है पानी जो सप्लाई है उसमें वाटर का जो बैक्टीरियल कंटेंट है बढ़ जाता है, तो जो टैप वाटर आता है उसमें भी बैक्टीरियल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, इतना अच्छा फिल्टर नहीं हो पाता। और दूसरा, क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है और थोड़ा ह्यूमिड हो जाता है, इसकी वजह से भी जो बैक्टीरियल कंपोजिशन है पानी की वो चेंज हो जाती है। तो जैसे ही होता है तो इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं और मानसून डायरिया शुरू हो जाता है। इसमें देखिए दो चीज़ें, एक तो प्रिवेंटिव है कि ऐसी चीज़ें क्या करें जिससे हो ही ना, और फिर अगर हो जाए तो फिर कौन सी डाइट लें, है ना। तो देखिए, प्रिवेंटिव में तो सबसे अच्छा है कि आप जो है एक तो अपने खाने से पहले हाथ जरूर धोएं, है ना, और जब अगर मानसून आ जाता है तो आप बॉइल्ड वाटर पिए, चाहे आप जो है कहीं से भी किसी भी सोर्स से लें, इवन बिस्लरी का भी पानी लें तो उसे बॉइल करके पिए। थर्ड ये है कि आप जो है बहुत कच्ची सब्जियाँ ना खाएं मानसून में जो है, और जैसे कई लोग मूली खाते हैं, मूली खाने की आदत होती है कई लोगों को, तो इस तरह की चीज़ें ना लें। फोर्थ है फिश, फिश बिल्कुल अवॉइड करें। ये ब्रीडिंग सीजन होता है मछलियों का, और इसमें जो है चांसेस होते हैं कि आपका पेट खराब कर दे, मछली खाने से पेट खराब हो जाए। इसी तरह मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो रॉ तो बिल्कुल ही नहीं, और वैसे भी कम लें आप मिल्क प्रोडक्ट्स। प्लस जो है इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब भी बाहर निकलें तो अगर पानी ना आपके ऊपर गिरे, आप भीगे ना, क्योंकि उससे आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है और इम्यूनिटी डाउन होने से जल्दी आपका पेट खराब हो सकता है। इसमें कुछ डाइट है जिनको आप अवॉइड करें, अगर डायरिया हो जाए तो उनको बिल्कुल ही ना लें। जैसे सबसे पहला तो है जंक फूड के अगर आप आदमी हैं तो छोड़ दें, आप डायरिया होने पर जंक फूड ना लें। और जंक फूड जो है वैसे भी आपको अगर ड्यूरिंग मानसून लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको डायरिया करेगा। सेकेंड फिर वही आता है, मिल्क प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल अवॉइड करें, खासतौर से दूध और पनीर तो बिल्कुल ना लें। कई लोग जो है प्रेफर करते हैं दही, लेकिन डायरिया के टाइम पे दही भी नुकसान कर सकती है, क्योंकि दही जो है वो अलग अलग सोर्सेज की होती है, हमें नहीं पता कौन सी जो कंपोजिशन है गुड बैक्टीरिया की वो कैसी है। फोर्थ है, अगर आप जो है कोल्ड ड्रिंक्स या चाय बहुत लेते हैं या आप जो है कॉफ़ी बहुत पीते हैं, तो इसको ड्यूरिंग डायरिया अगर आपको लूज मोशन होता है आप इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें, इनसे आपको जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, डिहाइड्रेशन होता है और डायरिया बढ़ सकता है।